सब्सक्राइब कीजिए फीटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। कौन बोलता है कि बॉलीवुड वाले अच्छी मूवी नहीं बनाते? मैं बोलता हूँ। तू? हाँ मैं। बॉलीवुड वाले अच्छी मूवी नहीं बनाते? ना रे, ना भाई, ना 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 ना, साला बच्चे को मारता है। हाँ, तू इतनी अच्छी मूवी बनाई है और फिर भी बोलते हैं कि बॉलीवुड वाले अच्छी मूवी नहीं बनाते। देखी क्या? लेट्स गेट स्टार्टेड। परमानु द स्टोरी ऑफ पोखरन को डायरेक्ट किया है अभिषेक शर्मा ने और इसमें लीड रोल के तौर पर काम किया है जॉन अब्राहम और डायना पेंटी ने। इतना ही नहीं, जॉन अब्राहम ने इस मूवी को प्रोड्यूस भी किया है। स्टोरी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। जब 1998 में इंडियन आर्मी ने अमेरिका के न चाहते हुए भी चुपके से 3 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किए पोखरण में, जो कि स्थित है राजस्थान में। पास में मैंने बहुत सारे लोगों से, इनफैक्ट बहुत सारे पॉलिटिशियन के मुंह से ये सुना है कि भाई हमने तो अमेरिका के नाक के नीचे से न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, कौन क्या कर लिया हमारा, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। आपने भी शायद सुना होगा। मुझे भी पता था कि हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, मगर किससे, क्यों और कैसे ये सब पॉसिबल हुआ इसकी डिटेल्स नहीं पता थी। और इस मूवी को देखने के बाद में आई वॉज नॉट जस्ट ओनली इम्प्रेस्ड बाय द स्टोरी, द डायरेक्शन और दी एक्टिंग ऑफ द कैरेक्टर्स इन दिस मूवी, बल्कि उन लोगों से भी इम्प्रेस्ड हूँ जिनकी वजह से आज इंडिया न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है। सीना चौड़ा हो जाता है ये सुन के। सीरियसली मैं सच बात बोलूँ तो मैं ज्यादा करके बॉलीवुड मूवीज नहीं देखता हूँ। मैं इक्का दुक्का ही मूवीज देखता हूँ जिनकी स्टोरी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ देखने लायक है, उनकी डायरेक्शन या कैरेक्टर्स की एक्टिंग देखकर मुझे ऐसा लगता है कि स्टोरी में कुछ नया है, यूनिक है, तो इसको देखना चाहिए। लास्ट मूवी मैंने जो देखी थी वो थी पद्मावत। एंड पद्मावत देखने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि यार क्यों इस मूवी को इतने सारे सीन्स काट दिए गए। आई मीन एक घंटा और अगर मूवी देखने के लिए मिलती तो जो मजा 2.5 से 3 घंटे की मूवी में आई है 4 घंटे में, तो आई वॉज इवन एक्सपेक्टिंग कि यार ये मूवी और एक घंटा चलनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मूवी खत्म हो जाती है। आई मीन शायद 2.5 या 3 घंटे की मूवी है एंड इट एंड्स देयर। सो यू नो आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड ओवर देयर। अब सिर्फ यहाँ पे डिसअपॉइंट नहीं होता बल्कि यहाँ पे भी कि जिस तरीके से हॉलीवुड वाले एक थिएट्रिकल वर्जन निकालते हैं और उसके बाद में उनका डायरेक्टर्स कट आता है, ब्लूरे में एक्सटेंडेड सीन्स आते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वैसे इंडिया वाले क्यों नहीं करते? आई मीन फाइन, आपने एक अडल्ट मूवी बनाकर उसमें भी आप कुछ ना कुछ ब्लर कर देते हैं। आई मीन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कीपिंग दैट मूवी एज एन अडल्ट? आप उसको फिर यूए कर दो और बच्चों को भी देखने दो, बिकॉज यू आर पिक्सलेटिंग द थिंग्स। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, आई मीन ये सब चीजें तो अलग हो गई हैं जो हॉलीवुड वाले करते हैं, जैसे कि डायरेक्टर्स कट देना, एक्सटेंडेड कट देखना ताकि घर में बैठ के लोग वो सारे सीन्स देख सके जो कि थिएटर में रिलीज नहीं हुए थे। वैसा इंडिया में भी होना चाहिए। आई मीन पद्मावत का भी कुछ ऐसा होना चाहिए था कि फाइन हमने एक घंटे का जो है सीन काट दिया है ताकि लोगों को चोट ना पहुंचे या उनके उनको उनके रिलीजन को हर्ट ना हो या उनको हर्ट ना हो, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट ना हो। तो इंडिया में भी बॉलीवुड वालों को एक अनकट वर्जन वगैरह कुछ निकालना चाहिए ब्लूरे डीवीडी एक्सेट्रा में, ताकि जिनको हर्ट नहीं होना है वो ब्लूरे डीवीडी मत खरीदो भाई, आप लोग मत खरीदो और देखो मत, आप हर्ट भी नहीं होगे। लेकिन जिनको देखना है, रियालिटी देखना है या डायरेक्टर्स की मेहनत देखनी है और कैरेक्टर्स की एक्टिंग देखनी है और सच्चाई भी देखनी है कि एक्चुअली आखिर हुआ क्या था, तो वो लोग भी उसको लाकर अपने घर में एंजॉय कर सके। बट पता नहीं क्यों ये इंडिया में होता नहीं है। आई मीन अगर मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं जरूर इसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा। एनीवेज ये सिर्फ मेरी थिंकिंग है, होप वन डे बॉलीवुड में भी ये ट्रू हो जैसा हॉलीवुड में होता है, डायरेक्टर्स वर्जन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट let's not go into that topic, sentiments etc, and let's go ahead with the review. So जैसा कि मैंने कहा मुझे बॉलीवुड मूवीज उतना देखना पसंद नहीं है, बट मेरे घर वालों को जे जस्ट सेड कि कोई एक बॉलीवुड मूवी लगाओ, आप हमेशा हॉलीवुड देखते रहते हो। सो मैंने नेटफ्लिक्स चालू किया एंड वोला मुझे परमाणु दिख गई। आई मीन लाइक उसी दिन परमाणु आई थी, आई मीन लाइक कल रात को ही परमाणु आई एंड आई वॉज लाइक फाइन यही मूवी देखते हैं, इंडिया के ऊपर है, न्यूक्लियर टेस्ट के ऊपर है, तो कुछ यूनिक स्टोरी होगी, लेट्स गो एंड वॉच इट। और 2 घंटे की मूवी थी, आई वाज लाइक फाइन लेट्स गो एंड वॉच इट। सो मैंने पूरे फैमिली के साथ में ये मूवी देखी एंड आई वाज ब्लोन अवे बाय द मूवी। आई मीन रियली मेरे डैड वो भी ज्यादातर मूवी देखते नहीं है पूरी, आधा घंटा देखते हैं फिर सो जाते हैं। मॉम भी, भाई भी नॉर्मली ही स्किप्स द एंटायर मूवी, वो स्किप कर करके देखता है, सॉन्ग्स तो बिल्कुल नहीं देखता बॉलीवुड के। बट जब मैंने ये मूवी लगाई 40 मिनट के बाद में भी, आई मीन लाइक इट वॉज अराउंड 12:30 इन द नाइट, माई फादर
was not asleep. Even my mother was watching the movie. My brother didn't went away. He was also watching the movie. I mean like हमारा पूरा परिवार इस movie को न सिर्फ देख रहा था बल्कि enjoy भी कर रहा था. ये movie इतनी अच्छी थी. ये movie 2 घंटे की है और मैं challenge के साथ में आपको कह सकता हूँ कि इसमें एक भी dull moment नहीं मिलेगा आपको. बल्कि in fact truth to be told मैंने बहुत सारे scenes यानी कि 10-15 बार scenes को repeat पे देखा है ताकि कोई इम्पोर्टेंट डिटेल मुझसे मिस ना हो जाए. ये मूवी मुझे इतनी अच्छी लगी. इस मूवी की डायरेक्शन और स्टोरी को परफेक्टली एक्सीक्यूट किया गया है. स्टार्टिंग में मूवी के मेन पॉइंट्स बताए गए हैं कि इंडिया क्यों न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बनना चाहता है और उस वक्त के सिचुएशंस क्या है. मूवी स्टार्ट होती है 1995 में जहां पर पाकिस्तान चाइना से एक न्यूक्लियर रिच देश बन रहा है. जॉन अब्राहम जिन्होंने काम किया है अश्वत रैना का आइडिया देते हैं हमारे पॉलिटिशियंस को कि इंडिया को भी न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहिए. मगर जैसा कि सब जानते हैं ये मिशन सीक्रेट नहीं रही और अमेरिका ने इंटरवीन किया और इस बात को लेकर कई देश ने इंडिया की निंदा की जिसमें पाकिस्तान और कई सारे देश शामिल थे. क्योंकि अब ये टेस्ट फेल हो गया है जॉन अब्राहम को उनके IAS की नौकरी से निकाल दिया जाता है और अब अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ में वो रह रहे हैं और अब जॉन अब्राहम अपने घर में बच्चों को IAS की कोचिंग देते हैं और किसी तरह से अपने घर का गुजारा चला रहे हैं. मूवी आगे बढ़ती है और 3 साल के बाद 1998 में बोमन इरानी इनसे कांटेक्ट करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में 1995 में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये मिशन सीक्रेट नहीं रहा और फेल हो गया. और आखिर वो जॉन अब्राहम से ये पूछते हैं कि इस मिशन को फिर से सक्सेसफुल बनाने के लिए वो क्या कर सकते हैं. अब जॉन अब्राहम बोमन इरानी और कई सारे होनहार साइंटिस्ट लोग मिलकर अब पोखरण जाते हैं ताकि इस बार सीक्रेटली वो न्यूक्लियर टेस्ट कर सके. और जैसा कि हम सब जानते हैं और जो कि स्पॉइलर नहीं होना चाहिए वो न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुल रहा. मगर रुकिए, वो कैसे सक्सेसफुल होते हैं और उनको क्या क्या करना पड़ता है सक्सेसफुल होने के लिए ये इस मूवी में बहुत ही लाजवाब तरीके से दिखाया गया है जो कि बेसिकली इस मूवी की स्टोरी है. हर एक छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान दिया गया है. सिर्फ ध्यान ही नहीं दिया गया क्योंकि बेसिकली ये एक ड्रामा मूवी है ताकि ऑडियंस इस ड्रामा मूवी से बोर ना हो जाए इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें भी डाली गई है जैसे टेस्ट कैसे करना है, प्लानिंग कैसी करनी है, चीजों को कैसे छुपाना है, क्या क्या ट्रिक्स अपनाते हैं. आई मीन जस्ट अबाउट एवरीथिंग वाज एडेड इन दिस मूवी टू जस्ट कीप यू हुक्ड इन इट. और मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यह मूवी आम बॉलीवुड मूवीज की तरह 2.5 घंटे की नहीं है, सिर्फ 2 घंटे की है जिसकी वजह से ये मूवी ज्यादा लंबी खींची नहीं गई है और आप इसमें कहीं पर भी बोर भी नहीं होते. ये मूवी प्योर ड्रामा नहीं है. आई मीन ऑफ कोर्स ये मूवी पूरा पेट्रियटिज्म पे बेस्ड है और इमोशंस के साथ में हमारे थोड़ा टच्ड है ये मूवी. सो वो सब चीजें तो है इसमें बट इसमें रोमांस भी है, थोड़ी कॉमेडी भी है, थोड़े फनी सीन्स भी है. और इनफैक्ट मुझे अच्छा लगा कि इसमें थोड़े फनी सीन्स भी डाले गए हैं. इनफैक्ट वो सीन देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक ड्रामा मूवी एक सीरियस मूवी में ऐसे फनी सीन्स भी डाले गए हैं जहां पर जॉन अब्राहम एक पाकिस्तानी एजेंट को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं एंड जिस तरीके से वो पकड़ते हैं दैट सीन वॉज क्वाइट फनी. एंड मूवी में हर एक चीजों को डाला गया है ताकि आपके लिए सिर्फ एक ड्रामा मूवी ना हो, ये सिर्फ एक पेट्रियोटिक मूवी ना हो. सब कुछ डाल के इस मूवी को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया गया है. मूवी देखने के बाद में मैंने तुरंत डिसाइड कर लिया था कि मैं इस मूवी को 10/10 रेट करूंगा बट बाद में मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं मूवी को नहीं, मैं इंडिया ने क्या अचीव किया है उसको रेट कर रहा हूँ. ऑफकोर्स 10 से ज्यादा ही रेट करूंगा उसको मैं बिकॉज स्टिल आई एम वेरी प्राउड बट मैं मूवी को रेट कर रहा हूँ. सो थोड़ी जगह है जहां पर ये मूवी और अच्छी हो सकती थी. अगर थोड़ा और इसमें एफर्ट डाला गया होता तो ये मूवी बहुत ही अच्छी और बहुत ही परफेक्ट होती. और एक जगह पे ये मूवी लैक करती है और वो है इसके स्पेशल इफेक्ट्स. यस, यानी कि बहुत सारे सीन है जहां पे अमेरिका का CIA ऑफिस दिखाया है एंड जिस तरीके से वो ऑफिस दिखाया है आपको वो क्लियरली मालूम पड़ता है कि वो एक पूरा फुल सेटअप है. आई मीन एक अमेरिकन ऑफिस ऐसा हो ही नहीं सकता. सो वहां पे मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ क्योंकि ऑफकोर्स मैंने CIA के बहुत सारे ऑफिसर्स देखे हैं बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज में और उनके सामने ये मुझे फुल ऐसा लग रहा था कि फुल डुप्लीकेट सेट बनाया गया है. नहीं सिर्फ अमेरिकन के ऑफिसर्स बल्कि इंडिया के भी जो पोखरण में जो ऑफिसर्स थे उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि दे आर स्टेज. बस वही एक जगह है जहां पर मुझे ऐसा लगा कि यार इनको थोड़ा और खर्चा करके इसमें थोड़ा और इफेक्ट डाल के कुछ अच्छा दिखाना चाहिए था. बस वो एक जगह है जहां पर मैं इस पूरी मूवी में हल्का सा डिसअपॉइंट हुआ. अगेन इन दी एंड ये मूवी बहुत अच्छी है. सो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 8.5 out of 10. एक बात पे ध्यान दीजिएगा, काफी सारे अगर आप रिव्यूज देखेंगे इस मूवी के तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि पेट्रियोटिक कार्ड प्ले करके इमोशनल फूल बना के हमें इस मूवी में इंटरेस्ट दिया जा रहा है एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. बट नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं?
अफकोर्स इंडिया ने कुछ अचीव किया है, उसके ऊपर एक मूवी बनी है, और सिर्फ बनी नहीं है, मूवी बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई है और आपको पसंद आई है, उसकी वजह से मैं इस मूवी को रेट कर रहा हूँ, उसकी वजह से आपको भी इस मूवी को रेट करना चाहिए। अभी बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि हॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज बनी है सच्ची घटनाओं को लेकर, तो वहां पर ये लोग वो नहीं बोलते हैं कि हाँ भाई हमारे इमोशंस के साथ में खेला है तो इतना, उस टाइम पे तो आप लोग ये बोलते हो कि बॉस ये मूवी ऐसी है, इसको बहुत अच्छा बनाया है ये वो। देन व्हाई व्हेन हमारे इंडियन डायरेक्टर्स ने एक मूवी बनाई है जो कि बहुत अच्छी बनाई है, तो आप उसको उसकी काबिलियत के हिसाब से रेट करने की बजाय ये बोलते हैं कि भाई पेट्रियोटिक फूल बनाया है हमको ताकि हम मूवी देखें और अच्छा बोले। नो, आई डोंट थिंक सो। इंडिया ने क्या अचीव किया है वो टोटली अलग, इस मूवी को किस तरीके से डायरेक्ट किया गया है, स्टोरी कैसे प्रेजेंट की गई है, मैंने उसी के हिसाब से और उसी के हिसाब से ही सिर्फ उसी के हिसाब से इस मूवी को रेट किया है, एंड दिस मूवी डेफिनेटली डिजर्व्स 8.5 out of 10। तो मेरी तरफ से तो बिल्कुल भी हाँ है, आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। आपको न सिर्फ एक मूवी देखने को मिलती है बल्कि आपको डिटेल में आपके ही कंट्री इंडिया ने क्या अचीव किया है और कैसे अचीव किया है ये भी देखने को मिलता है, जो मुझे नहीं लगता आपको मिस करना चाहिए किसी भी हाल में। सो ये था हमारा मूवी रिव्यू, आपको ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई मूवी या टीवी सीरीज रिव्यू करें तो प्लीज वो भी कमेंट में जरूर बताएं। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यू ऑल हैव अ वेरी ग्रेट डे।